नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। बंगाल में विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी बुरी तरह घिर गई हैं। अपनी हार को सामने देखकर ममता बनर्जी शब्दों की मर्यादाओं को ही भूल गई हैं। एक चुनावी रैली में आज ममता ने सभी मर्यादाओं को पार करते हुए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली का गुंडा कह दिया। लगता है ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनावों में हार मान ली है, इसीलिए ममता बनर्जी के जो मन में आ रहा है ममता वो सब कर रही है। हताशा में ममता शायद ये भूल गईं कि वो दो बार बंगाल जैसे बड़े राज्य की सीएम रह चुकी हैं, केंद्र की सरकारों में कई बार मंत्री भी रह चुकी हैं, लेकिन हार को सामने देखकर ममता बुरी तरह से बौखला गई हैं। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, हम दिल्ली के दो गुंडों के सामने अपने बंगाल का समर्पण नहीं कर सकते। हम गुजरात को अपने राज्य पर कब्जा करने और दिल्ली से शासन चलाने नहीं देंगे। बंगाल पर बंगाल ही शासन करेगा। पश्चिम बंगाल का नेतृत्व बंगाल इंजन सरकार ही करेगी, ना कि मोदी की डबल इंजन सरकार। कोरोना की दूसरी लहर बहुत तेज है, मैं इसे मोदी निर्मित त्रासदी कहूंगी। ना तो इंजेक्शन उपलब्ध है और ना ही ऑक्सीजन। टीके और दवाइयां बाहर भेजी जा रही हैं, जबकि देश में इनकी कमी है। बंगाल विधानसभा के चुनावों में ममता लगातार शब्दों की मर्यादा को पार कर रही हैं। ममता चुनाव प्रचार में जमकर विवादित बयान दे रही हैं। ममता बंगाल की जनता को बता रही हैं कि वो लोकसभा में बेहतरीन खिलाड़ी रह चुकी हैं। एक रैली के दौरान ममता ने कहा कि मैं कोई खिलाड़ी नहीं हूं, लेकिन खेल कैसे खेलते हैं ये मैं जानती हूं। पहले लोकसभा में मैं सबसे बेहतरीन खिलाड़ी थी। ममता के अब शब्दों का जवाब पलटवार करते हुए बीजेपी के स्टार कैंपेनर गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। बंगाल में बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अमित शाह ने ले रखी है। दक्षिण दिनाजपुर जिले के हरिरामपुर क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हर चुनावी रैली में अपने हर भाषण में वो 10 मिनट प्रधानमंत्री और मेरे लिए आप शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। मैं देश का गृह मंत्री हूँ, क्या मैं लोगों से बात नहीं कर सकता? मैं बाहरी कैसे हुआ? वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान समाप्त हो गया। राजनीतिक दलों के 306 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। बंगाल के उत्तर 24 परगना की 17, नदिया की 9, पूर्वी बर्धमान की 8 और उत्तर दिनाजपुर की सभी 9 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई थी, जो खत्म हो गई। कोविड महामारी के मद्देनजर मतदान को लेकर विशेष सतर्कता की गई थी। मतदान केंद्रों पर सैनिटाइजर और हाथ के प्लास्टिक के दस्ताने रखे गए थे, जिन्हें मतदाताओं को उपलब्ध कराया गया था। छठे चरण में बंगाल में रिकॉर्ड 79% से ज्यादा मतदान हुआ। बंगाल के विधानसभा चुनावों पर पूरे देश की नजर है। कोरोना की महामारी के बीच भी बंगाल में चुनाव प्रचार जोरों पर है। वहीं ममता बनर्जी ऐसे में भी विवादित बयान देने से बाज नहीं आ रही हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।